के बिना कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद कोई भी क्लियरेंस महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से किसी भी तरह से कुछ नहीं लिया गया। सीधे डायरेक्टर शिपिंग से परमिशन लेके इसे परमिट किया गया। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है, रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया धड़ल्ले से। रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में उसको आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन मैं क्लू दे रहा हूँ, जो लोग दिल्ली से इतनी बड़ी कॉम्पिटेंट एजेंसी है जांच लिया है, इसकी तरफ भी ध्यान देने का काम करें। पिछले कई दिनों से जब मैं फर्जीवाड़े की बात करता रहा, मैंने एक आम सभा में भाषण कर दिया कि इनकी नौकरी 6 महीने में जाएगी और ये जेल जाएंगे। मैंने कोई पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करके ये बात नहीं कही थी। जो समीर दाऊद वानखेड़े जी का फर्जीवाड़ा जीवन का है, उन्होंने, मैंने ये भी कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि किसका धर्म क्या है, कौन किस धर्म का है। मेरा सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे आईआरएस का पद हासिल किया और देश में एक होनहार दलित शायद किसी गांव में गरीबी में पढ़कर आगे जाना चाहता होगा या किसी शहर में झोपड़ी में रहकर उसने तैयारी की होगी, ऐसे एक होनहार दलित का अधिकार छीना गया। ये विषय हमारा ये है। हम कोई धर्म की चर्चा नहीं करते रहे। हम जो फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े का है, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट ली गई और उसके आधार पे नौकरी ली गई, ये मुद्दों को हम उठाते रहे। जब मैंने पहला बर्थ सर्टिफिकेट डाला तो सब लोग टूट पड़े कि ये फर्जी है। फर्जी है तो असली कहाँ है उनके परिवार के लोगों को बताना पड़ेगा। आज मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाह नामे को भी उसमें हमने डाला है। दो बॉक्स उसमें ब्लैंक कर दिए गए हैं,
जिसमें लड़की के पिताजी का नाम है, उनके चाचा जी का नाम है। वो ब्लैंक एड्रेस इसलिए रखा गया है कि उनको बड़े पैमाने पे धमका जाए। दो चीजें हो गई, इसलिए हमने वो दो चीजें ब्लैंक रखी है। ये भी कह देता हूँ कि कल तक जो बर्थ सर्टिफिकेट पे उंगली उठा रहे थे वो टेम्पर सर्टिफिकेट है, वो महानगर पालिका के रिकॉर्ड का हिस्सा है। ऑनलाइन सब बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाती है, जमींदार वानखेड़े की सर्टिफिकेट नजर नहीं आती। हम वो रजिस्टर में 1.5 महीने तक खोज करने के बाद स्कैन कंप्यूटर में है, वहाँ से हमने स्नैपशॉट निकाला है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये जो कागजात हमें वो असली है, सरकारी ऑफिस का दस्तावेज है। उसमें गौर से देखा जाए तो टेम्पर की 20 साल बाद उसमें एक सर्कल लगा के स्टार बनाया गया और अलग से 20 साल के बाद जो नाम का खेल है उसके अंदर लग गया। आज जो इनका नाम मैंने दिया है उसमें मस्जिद का मदरसा है, उसका एड्रेस है और ये सारे तस्वीर हमने रखी है। जो कल तक कह रहे थे कि हम जीवन हिंदू रहे, हम हिंदू मुसलमान धर्मांतर करे तो उसे शेड्यूल कास्ट का मिलता, विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी का इस सवाल है। अगर लोगों को लगता है कि ये गलत है तो मुझे देश का संविधान है कि अगर कोई इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में शामिल हो जाएगा तो उसे लाभ मिलेगा। अगर ये भी तरीका है तो मैं भी कल दावा करूंगा मेरे पुरखे मेरे जैसे इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग जो संघ परिवार के दादा दावा करता रहा, मोहन भारती कहते रहे कि सबके पुरखे एक हैं। हाँ, हमारे पुरखे इस देश चूत थे। अगर हम फिर क्लेम करके हम भी शेड्यूल कास्ट हैं तो क्या इस देश के 15 करोड़ मुसलमान को लाभ मिलेगा? सवाल ये है, हरी बड़ा करके एक गरीब के अधिकारों का हनन किया गया, हर तरीके से निश्चित रूप से दस्तावेज लाए गए हैं, संघ में पास मांगे हैं उनको देंगे। जो जागरणी समिति कहा जाता है इंग्लिश में, स्क्रूटनी कमेटी, वेरिटी कमेटी, उसमें कंप्लेंट दर्ज होगी, बाकायदा को जाएगी ले जाएंगे और हमें उम्मीद है होगा और उसके आधार पर निश्चित रूप से कानून में धन उनकी नौकरी उसी कानून में लिखा है कि इस राष्ट्रपति कोई प्रस्ताव के आधार अगर सर्टिफिकेट बना लेता है तो उसे 2 साल की सजा प्राप्त करना है। मैं दस्तावेज के आधार पर कह रहा हूँ, अगर वो जिस भी धर्म में राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है अपने धर्म को स्वीकार है, बदल सकता है, नया धर्म बदले उसमें नहीं है। लेकिन देश का व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फायदा है वो नहीं मिलता। ये किसी दलील का नया और निश्चित रूप से हम एंड तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से काम करते वो क्या उसी भी पार्टी
उस पार्टी में होता। शाम जब क्रूज शिप लौट रही थी तो उसमें वो नाचते हुए अपनी महबूबा के साथ निकाला है। बहुत सारे डांस हमारे पास वीडियो है, हम देखी बड़ी है सारे सीसीटीवी फुटेज मंगाइए। जान के पार्टी कराई गई, पार्टी कराने में लोगों का हाथ था, ड्रग माफियाओं पे हाथ ना लगा के कुछ लोगों को फ्रेम किया गया पब्लिसिटी के लिए, ये बात सच है। पर आड़ी वाला इनको नहीं मिल पाया, तो अगर वो ईश्वर सिंह जी के पास आ जाए, आड़ी वाले की तस्वीर दे देता हूँ, नाम बता देता हूँ, उनकी महबूबा खतरनाक हत्या के बारे में है कि ये बहुत मामला है। तो चीफ डीजी है एनसीबी, इससे विनती करता हूँ, अगर सही मानो देश से अगर मुक्ति करना चाहिए सभी लोग साथ, लेकिन ड्रग ड्रग माफिया को दो कर्मचारी रखकर पब्लिसिटी हासिल करने का बंद करना चाहिए, तो वो सारी चीजें देनी है। सामने खेड़े का दोस्त है गाड़ी वाला, आज नहीं सामने चीजें आएंगी। ऐसा है जांच हो रही है, हम कोई जांच पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जांच हो, लेकिन कॉर्डेलिया क्रूज सीसीटीवी मंगा ली को खोज नहीं पाए। अगर गंभीरता से नहीं लेते हैं तो सार्वजनिक चीजें करेंगे। सब आपने पूछा है कि उन्हें जेल भेजेंगे, मैं नहीं भेजूंगा, इसका कानून भेजेगा। देखिए बड़ा जो पट्टी वो हुई अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया, लोगों ने जो किया और वंटेड था दाढ़ी दोस्त था, कुछ कार्रवाई नहीं, कुछ उसको रोका नहीं गया, 13.5 लोगों को स्कैन ही किया गया, गेट पे तस्वीर लेके कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया कि ये आइए आइडेंटिफाई कीजिए, मतलब के लोगों को फसाया। मैं पहले से दावा कर रहा हूँ कि क्रूज पे छापे मारी हुई कोई भी नहीं था, टर्मिनल नहीं है, जो स्वीप वांटेड साहब ने जारी की है उनके कैब है, वहीं से वो तस्वीरें कि लोगों को पब्लिसिटी लूट रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय ढंग का जो इंटरेस्ट है दाढ़ी सर्व प्रकार मध्ये माझ्या अधिकाऱ्यांनी नाव न लिहिता एक पठवला होता, ज्या पत्रामध्ये पत्र पोचलेलं आहे,
निर्माण साधारण नागरिक चौकशी करणे गरजेचे आहे. संबंधित रूपाने जाब देईल.